खबर का दिल्ली में सोमवार से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। आपको बता दें कि सबसे पहले खोली जाएंगी फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन। धीरे धीरे दिल्ली में लॉकडाउन खत्म होगा, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन धीरे धीरे शुरू होगी। सोमवार से कंस्ट्रक्शन और कारखाने खोले जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि सबसे पहले खोली जाएंगी फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन। तो पूरी तरीके से तमाम चीज़ें नहीं खोली जाएंगी, जो प्रतिबंध लगे हैं वो लगे रहेंगे। धीरे धीरे करके जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसको चलाया जाएगा। वो सुबह से खोला जाएगा, जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले एक हफ्ते के लिए इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को, इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे 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 रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है दिल्ली में। तो वहीं से खबर पे हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी जुड़ चुके हैं। चिराग, सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू होगी, धीरे धीरे कर कर जो प्रतिबंध लगाया गया है तमाम चीज़ों पर वो हटेगा, तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट, किस तरीके से क्या कुछ खोला जाएगा, क्या कुछ बंद रहेगा, ये ज़रा बताइए। देखिए, आज एलजी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें डीडीएमए के लोग मौजूद थे, दिल्ली सरकार के तमाम लोग मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे, जिसमें तय किया गया कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि अब काफ़ी समय से लॉकडाउन है और ऐसे में लॉकडाउन खत्म होने के कगार पर है, 2 दिन बचे हैं, शनिवार और रविवार, और ऐसे में मंडे से अब स्थिति ये होगी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उस पर काम जो है वो लेबर क्लास जो है वो कर पाएगी, यानी जो प्रवासी मजदूर थे जो काफ़ी संख्या में बाहर चले गए थे राजधानी से जब ये पूरा लॉकडाउन हुआ था। तो अब ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो सबसे गरीब तबका है उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और इसी सेंस में उन्होंने सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उसको अलाउ किया है, यानी साफ है कि आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो प्रवासी मजदूर जो छोटे छोटे काम राजधानी में होते थे उसको लेकर डिटेल ऑर्डर डीडीएमए का आ जाएगा, जिसमें उन लोगों को एक तरह से कहा जाए अलाउ किया जाएगा। तो ये साफ है जो स्थिति है कि अब अनलॉक की तरफ राजधानी बढ़ रही है, और ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो केसेस भी है वो कम हो रहे हैं, जो एक तरह से इन्फेक्शन रेट है वो कम हो रहा है, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये कवायद की गई है। यानी पिछले काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था, पिछले हफ्ते भी ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि राजधानी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और ठीक वैसी व्यवस्था जो है अब देखने को मिली कि अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरह से ट्रेंड रहा है पूरे वीक का, जो पॉजिटिविटी रेट है 2% के आसपास है, ऐसा ना हो एकदम जंप कर जाए, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अलाउ किया जाएगा, ताकि जो आर्थिक गतिविधियां वो भी शुरू हो सके। बिल्कुल फिराग, और क्योंकि देखा भी जा रहा था कि सबसे ज़्यादा समस्या जो थी वो लेबर क्लास के आगे ही थी, रोज़ कमाने खाने वालों के सामने ही समस्या ज़्यादा देखी जा रही थी। ऐसे में इंडस्ट्रियल एरिया और जो फैक्ट्रीज हैं वो खोली जाएंगी, तो क्या कुछ यहाँ पर नियम कानून है जिनका पालन करना होगा, क्या कुछ विशेष तौर पर कोई लिस्ट यहाँ पर दी गई है? देखिए, डीडीएमए का जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो कुछ ही देर में रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें और स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी कि जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया है वो कैसे अंजाम दी जाएगी। अभी तक जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो लेबर काम करती है उनको अनुमति होगी, ऑब्वियसली कोविड गाइडलाइंस का तो पालन करना ही होगा, चाहे उसमें मास्क लगाने की बात हो, चाहे सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की बात हो, चाहे 2 गज की दूरी हो, लेकिन ये है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी वो अब शुरू होगी, फैक्ट्रीज जो है वो शुरू हो सकेंगी। तो ऐसे में जो अब ये कहा जा सकता है कि राजधानी में जो अनलॉक की परिस्थिति है वो अब पैदा हो रही है, और ऐसे में 31 तारीख के बाद यानी जून में अनलॉक की स्थिति रहेगी, लेकिन तब भी ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि अगर केसेस जंप करते हैं एकदम तो ऑब्वियसली फिर दोबारा राजधानी लॉकडाउन की तरफ जा सकती है। तो इन बातों का, तमाम बातों का ध्यान रखना है कि जो कोविड गाइडलाइंस है उनका फॉलो करना है उनको तरीके से, क्योंकि अगर वहां कोताही बरती गई तो निश्चित रूप से सरकार जो है उस मामले में स्ट्रिक्ट होगी और ऐसे में सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो ये राहत की बात है राजधानी वासियों की, उन लोगों के लिए जो काफ़ी समय से लॉकडाउन में, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो ऐसे में अब ये एक्टिविटीज़ जो है जल्द ही शुरू होंगी।
चिराग, कई बार देखा गया है जो इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन में जो ओनर होते हैं उनकी तरफ से लापरवाही बरती जाती है, मजदूरों को और जो लेबर होती है उनको यूं ही छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसे में ये तमाम चीजें देखी गई तो क्या उन पर कार्रवाई होगी, इस तरह का कोई मामला? देखिए, निश्चित रूप से कार्रवाई तो होगी, अगर जो कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो तो अभी भी हो रही है कि लॉकडाउन है और अगर अभी भी कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करते तो पुलिस नेचुरली, अगर सख्ताई से नहीं निपटा जाएगा तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया कि केसेस बढ़ सकते हैं। अभी तो पॉजिटिविटी रेट कंट्रोल में है, 2% रेट है, केसेस भी कम है, कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही बढ़ती जाए, क्योंकि अगर लापरवाही इसमें रहेगी तो ये बात साफ है कि दोबारा लॉकडाउन लगाने में भी सरकार को देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे जान बचाना फिर प्राथमिकता हो जाएगी। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिलहाल तो ये निर्णय लिया है कि जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहां पर जो लोग काम करते हैं, जो ऑनर हैं, वो खोल सकेंगे, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। शुक्रिया आपका चिराग, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी सोमवार से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।